जी मैं अब्दुल अहद, आप तमाम देखने वाले को जैकमेंटर यूट्यूब पे वेलकम करता हूँ। आइए आज जो हम बात कर रहे हैं, आज से मैंने आपको बताया था, ये जो है आप देख रहे हैं तीसरे क्लास का पर्यावरण और हम है, यानी कि आप सामान्य विषय की तैयारी के लिए आपके कक्षा के जितने भी टेक्स्ट बुक है अप टू 3 से लेकर के, या ये कह लें कि अप टू 1 से लेकर के, सारे टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना होगा। यू हैव टू गो थ्रू विद द ऑल टेक्स्ट बुक एंड ऑल पेजेस, सारे पेज को, सारे इसको पढ़ेंगे, देन यू विल गेन 80% मार्क। हमारी जो कल बात हुई है जिसमें उन्होंने हमें ये बताया, एजुकेशन ऑफिसर थे फ्रॉम पटना, तो उन्होंने बताया कि आप जो है टेक्स्ट बुक जितने भी हैं उन सभी को पढ़ जाएंगे तो 80% मार्क्स जो है यू कैन सिक्योर, आप जो है वो ला सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज इस वक्त मैं आपको तीसरे दर्जे का ये टेक्स्ट बुक से बनाया गया बेहतरीन नोट्स है, इसी पे हम जो है इस वक्त चर्चा करेंगे। आपको दो काम करना होगा, एक काम तो ये, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, दूसरी काम ये है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ, चूंकि ये कुछ वीडियो जो है कुछ लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा समय देकर के पूरे ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे तो आपको तीसरे दर्जे का पर्यावरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चित्त को शांत करके हमारे साथ कुछ देर बने रहिए, आपका पर्यावरण और हम तीसरे दर्जे का वो क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम जो है चलते हैं, ये हो गया, आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे पर्यावरण और हम, ये पर्यावरण और हम है। इसमें आपको जो ये इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वैसा नोट्स ये बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना ये होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिए हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अब हम चलते हैं, देखिए सबसे पहला पार्ट जो इसमें है वो है चाचा की शादी। चाचा की शादी क्या है, कविता है एक, इस कविता से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हम दो बात करेंगे, पाठ देखेंगे, पाठ की मुख्य बात देखेंगे और उस पाठ से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो हम देखेंगे। इस पाठ में आपको रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन अराइज होगा, और रिलेशन में ये दो चार चीज जो है इसमें दिखाया है, जैसे नाना माँ के पिता को नाना कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग में रिलेशन या ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन आएगा वो इससे बन सकता है। पार्ट टू में आइए, पार्ट टू में क्या है, हमारा परिवार। हमारा परिवार में आपको सिंगल फैमिली और संयुक्त परिवार, ये दो परिवार जो है, जैसे एकल परिवार का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन होता है, तो माता पिता और बच्चे। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं, संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी माता पिता चाचा चाची चचेरे भाई चचेरे बहन मामा नाना नानी, नहीं नाना नानी अलग हो जाएगा, तो ये संयुक्त परिवार में आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है जीव जंतुओं की दुनिया। जीव जंतुओं की दुनिया पहेली के माध्यम से जीव जंतु को दर्शाया गया है, जैसे काली काली मैं मत वाली करती रहती हूँ जुगाली, ये कौन सा जो है जानवर के बारे में कहा, ये भैंस के बारे में कहा। फिर हरे हरे हैं मेरे पंख लाल मेरी चोंच के रंग, ये किसके बारे में कहा, ये जो है तोता के बारे में कहा। टेढ़ा मेढ़ा चलता है झाड़ बिल में रहता है, ये किसके बारे में कहा, ये सांप के बारे में कहा। फिर इसी तरह से गोल गोल मैं जाल बनाती छोटे जीवों को उलझाती, किसके बारे में कहा, मकड़ी के बारे में कहा। पानी में रहने वाले जंतु मछली इन्हें जलचर भी कहते हैं। अब यहाँ पे मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, शाकाहारी और सर्वहारी, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि कई क्वेश्चन आया है कि कड़ाथी जो है मैं देखा था, और हम टेलीग्राम ग्रुप पे जब क्यूज कर रहे थे उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा था कि किस जानवर को हम शाकाहारी जानवर कहेंगे, तो मांसाहारी में जो जीव मांस खाते हैं, शाकाहारी में जो जीव मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वहारी जो जी पेड़ पौधे मांस सब कुछ खाते हैं उसको कहेंगे सर्वहारी। चलिए चौथा पार्ट लेते हैं,
रंग बिरंगे पंख है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपको चिड़िया के बारे में जानकारी मिल सकता है। जैसे गोरैया क्या खाते हैं, गोरैया क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, खीरे खाते हैं, पेड़ पर रहती है। बाज सांप खाती, छिपकली खाते हैं, चूहे अन्य तरह के जीव को खाते हैं। फिर इसी तरह से कौवा मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी आदि खाते हैं। पक्षियों के चोंच, किस पक्षी के चोंच कैसे होते हैं? बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह से, ऐसे हुक की तरह से होती है। तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गुड़ैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है जो अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। फिर मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। चलिए अगला आगे देखते हैं। कुछ पक्षियां चोंच निस्पंद प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है, जैसे बतख है, फ्लेमिंग इत्यादि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। छठा पाठ क्या है? पेड़ पौधे से दोस्ती। इससे ज्यादा परीक्षा संबंधी कोई प्रश्न नहीं आते हैं, इसको इसीलिए इतना ही। छठा पाठ है, पत्ता हूं मैं हरा भरा, नोक वाले पत्ते पीपल हो गया, गोल पत्ते बरगद हो गया। बरगद मजबूत मोटा तना, शाखों जड़े लटकती है जो जमीन तक चली जाती है तथा पेड़ों में सहारा देती है। अब आइए पाठ सात, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है ये। तरह तरह के भोजन, तरह तरह के भोजन, इसमें क्या क्या है? जैसे मेष संक्रांति सत्तू, भोजपुर लिट्टी चोखा, मिथिला में दही चूड़ा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरल में इडली डोसा। यानी कहाँ का क्या भोजन है, इसे को इस पाठ के जरिए से आपको जानकारी मिल सकती है। केरल में नारियल तेल का प्रयोग होता है। शाहजहां औरंगजेब की कहानी है इसमें। फिर जो है बच्चों के लिए त्योहार विशेष, छठ में त्योहार में किस त्योहार में क्या विशेष होता है? छठ में ठकुआ होता है, होली में गुजिया पकोड़े कचौड़ी होता है। फिर इसी तरह से ईद में सेवई और खीर होता है। क्रिसमस में भारत में बिरयानी चावल, यानी क्रिसमस के दिन भारत में जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो बिरयानी चावल खाते हैं, चिकन मसाला खाते हैं। दीपावली का क्या होता है विशेष? मिठाई होता है। शनिवार में खिचड़ी होता है। फिर इसी तरह आठवां पाठ में हम चलते हैं। कुछ कच्चा कुछ पक्का, बच्चों के लिए कच्ची खाई जाने वाली चीजें खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर। पकाकर खाई जाने वाली चीज चावल, मांस, रोटी रोटी इत्यादि। फिर उसके बाद जो है कच्ची पकाकर, यानी कच्ची भी और पकाकर भी खाने वाली चीज हो जाएगा गाजर और पत्तगोभी। फिर इसी तरह पाठ नौ में आए पकाएं खाएं, पकाएं खाएं, पकाने का तरीका और सामान। देखिए कितना अच्छा जीके है, बहुत बेहतरीन जीके इससे बन सकता है। भून कर क्या खाते हैं? आलू। तल कर क्या खाते हैं? पराठा। उबाल कर क्या खाते हैं? अंडा। सेक कर क्या खाते हैं? मक्का, भुट्टा, रोटी। फिर अब आइए इसके बाद पाठ दस में चलते हैं। स्थान, घरों के प्रकार, किस जगह पे किस तरह का घर रहता है, ये क्वेश्चन आपसे एराइज हो सकता है इसमें। जैसे असम, असम में जमीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना हुआ होता है। मनाली में क्या होता है? पत्थर लकड़ी का प्रयोग करके घर बना हुआ होता है। लेह लद्दाख में क्या होता है? लकड़ी के 2 मंजिले घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। राजस्थान का क्या? मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है और घास फूस का प्रयोग उसमें होता है। फिर इसी तरह कश्मीर में हाउस बोट डोंगा हाउस कहते हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं मकानें होती है। अब आइए 11वां पाठ है, दीपावली की तैयारी। धूप से सीलन भगाना, माँ ने सुगदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा, खराब गंध के कारण। रजाई कंबल को धूप में रखा, यानी कि सीलन जो ऐसी वस्तुएं जिसमें सीलन हो जाता है, ये इस त्योहार के बहाने भी साफ सफाई और सारी चीजें हो जाती है। पाठ 12 किस और किया, दिशा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है
संबंधी, दिशा संबंधी, डायरेक्शन संबंधी प्रश्न जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे बनाना जरूरी, ये जो है। फिर स्कूल के आसपास आसपास सूरज सूरज से पूरब दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। यदि मुख हो सूरज की ओर तो पीछे पूरब जाने दाएं दक्षिण बाएं उत्तर, तो बेहतरीन जो है इसमें है। इसके जरिए से डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं और इससे क्वेश्चन भी डायरेक्शन से आता है। सूरज की ओर मुंह हो परछाई कहाँ बनेगा, इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में ज्यादा रह सकता है। सूरज की ओर मुख हो तो बाएं कौन सा दिशा होगा, दाएं कौन सा दिशा होगा, ये भी आपको पूछ सकता है। पाठ 14 में कविता बच्चों के लिए, बारिश के अलावा हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें जो है पूरा बताया गया है। पानी झील से, झरना से, नहर से, नलकूप से, कुआं से, सागर से, तालाब से, नदी आदि से प्राप्त होता है। दानापुर से गौड़ा तक कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, गणित में समय और दूरी सवाल ज्यादा बनाना पड़ता है, तो इसके जरिए से आप वो सवाल हल कर सकते हैं। फिर छठा 16वां पाठ है चिट्ठी पर सफर, डाकिया चिट्ठी लाता है, डाकिया का पहनावा कैसा होता है, टोपी खाकी वर्दी चिट्ठी से भरा हुआ थैला, लेकिन आजकल व्हाट्सएप मैसेज एटसेट्रा से खबर जल्दी पहुंच जाती है। 17 पाठ कपड़े तरह तरह के, सूती कपड़े हवादार होते हैं जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, सर्दी में ऊने कपड़े हमारे शरीर के गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। तेरी मेरी उछल कूद, खिलाड़ी की संख्या, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होता है, बहुत बेहतरीन जी के है 11, हॉकी में कितने होते हैं 11, फुटबॉल में कितने होते हैं 11, बास्केटबॉल में कितने होते हैं 5, कबड्डी में कितने होते हैं 12, 7 कोर्ट में और 5 रिजर्व होता है बास्केटबॉल में। चलिए 19वां पाठ है कोशिश करके देख लें, जो लोग देख नहीं सकते वे छूकर महसूस करके सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं। लुई ब्रेल दिवस, यानी कि कौन सा लिपि है, जिस लिपि से जो है जो व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, अंधा कहते हैं या उसको कह लीजिए आंख से नहीं देखते हैं, तो कौन सा लिपि को यूज करके पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि को यूज करके, दृष्टि बाधित लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आविष्कार किसने किया था, लुईस ब्रेल ने किया था। इस पाठ को तो आप सब लोग अच्छे से देख लेंगे, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। चोट लगने पर आंख खराब, लुईस ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जो बोल नहीं सकते संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब आइए पाठ 20, क्या है, आओ खेलें मिट्टी में, कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीजें बनाने का सही क्रम, मिट्टी खोदकर लाना, मिट्टी तैयार करना, छाक पर बर्तन बनाना, बने बर्तन को सुखाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, पके बर्तन पर रंग लगाना, बाजार में ले जाकर सेल कर देना, इसमें है संविधान करना, हमारे संविधान। अब आइए हमारे संविधान के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 51 को, मौलिक कर्तव्य है संख्या 11, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टियां जो है भारत में पाई जाती है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक बिहार में पाई जाती है। देखिए 4 जीके इससे बन गया, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद कितना में है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है पसंद आया होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसको आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।